नानो, नैनो, नैनो, नैनो नाम आप सबने सुना होगा। किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता गुजरात में, मगर नैनो कंपनी को 33,000 करोड़ रुपए बैंक लोन दिया जा सकता है। जमीन किसकी दी गई? आदिवासियों की। आपकी जमीन दी गई नैनो बनाने के लिए। किसानों की जमीन दी गई नैनो बनाने के लिए। पानी किसका गया? आपका। बिजली किसकी गई? आपकी। और फिर उसके बाद सड़क पे एक भी नैनो नहीं दिखाई देती। पूरे गुजरात में आप घूमो, मेरा दौरा लगा है, 3 बार मैं गुजरात आया हूं, हजारों किलोमीटर चले हैं, मैंने एक नैनो नहीं देखी आज तक। ये नैनो दिखती ही नहीं है। और यही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का चिन्ह। पूरा का पूरा पैसा 5-10 सबसे बड़े उद्योगपतियों के जेब में। आदिवासियों से जमीन छीनो, नर्मदा का पानी आदिवासियों को एक बूंद मत दो, पूरा का पूरा उन्हीं 5-10 उद्योगपतियों को दो। आदिवासियों के बच्चे रात भर बिना बिजली पढ़ाई करें, मोमबत्ती के साथ पढ़ाई करें। और सबसे बड़े उद्योगपतियों के पास पूरी गुजरात की बिजली। यह है गुजरात मॉडल। इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लाखों एकड़ जमीन, 6.5 लाख एकड़ जमीन गुजरात के आदिवासियों से, गुजरात से के किसानों से छीनी गई है। 6.5 लाख एकड़ उस जमीन में से 60% जमीन उद्योगपतियों ने प्रयोग ही नहीं की। उनको आपकी जमीन मिली मगर उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी वो जमीन आपको वापस नहीं दी गई। यह गुजरात की सच्चाई है। यूपीए सरकार थी, हम आदिवासी बिल लाए। आदिवासी बिल का लक्ष्य था कि आपकी जमीन आपको वापस मिले, आपका जल, जंगल और जमीन पर हक बने। और जंगल का फायदा, जमीन का फायदा, जल का फायदा आपको मिले। यह कानून हमने लोकसभा राज्यसभा में लागू किया, मगर गुजरात में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पैसा कानून हम लाए कि विकास का निर्णय आप लोग करो, आपकी पंचायतें करें, उसको भी लागू नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारी पूरी कोशिश थी कि आपके हाथों में हम शक्ति डालें और आपका भविष्य आप तय करें, मगर गुजरात में बीजेपी ने यह नहीं होने दिया। और जो आपका पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, वो नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, गुजरात सरकार का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, वो आपको नहीं देते हैं, डाइवर्ट कर दिया जाता है। पिछले साल 8 नवंबर पता नहीं क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, कैंसिल कर दिया 12 बजे रात। नुकसान किसको हुआ? लाइन में कौन खड़े दिखाई दिए? आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, आदिवासी, दलित, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग। क्या आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को लाइन में देखा? आपने उन लाइनों में आम आदमी को देखा या चोरों को देखा? आम आदमियों को देखा। हिंदुस्तान के सब चोरों ने अपने काले धन को सफेद कर दिया,
नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद की, कहा था कि पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं आएगा, और जो पैसा वापस नहीं आएगा मैं वो पैसा आदिवासियों को दूंगा, किसानों को दूंगा, मजदूरों को दूंगा। पता लगा कि 15 लाख करोड़ रुपया पूरा का पूरा वापस आ गया, जय शाह के खाते में 80 करोड़ रुपए गया। मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, जीएसटी लाए, जीएसटी लाए। देखिए गब्बर सिंह करता क्या था। गब्बर सिंह गरीब लोगों को डराता था, कमजोर लोगों को डराता था, डायलॉग मारता था और लोगों से पैसा छीनता था। हमने नरेंद्र मोदी जी से, अरुण जेटली जी से कहा, देखिए आप जीएसटी लाना चाहते हो तो जनता के फायदे की जीएसटी लाओ, एक टैक्स होना चाहिए और 18% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में टैक्स आपने ही देना है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति टैक्स नहीं देंगे, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान टैक्स देंगे, जीएसटी आप दोगे। तो हमने कहा एक टैक्स होना चाहिए, 18% होना चाहिए, और अगर लागू करना है तो प्यार से लागू करो, आस्ते लागू करो, टेस्ट करके लागू करो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, एक टैक्स नहीं होगा, 5-7 टैक्स होंगे और 18% नहीं 28% टैक्स लगेगा, और जीएसटी लागू कर दी। जहां कांग्रेस जीएसटी लाई थी गरीबों की मदद करने के लिए लाई थी, वहां बीजेपी ने गरीबों से पैसा छीनने वाला टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। आपका जो पैसा है, आपकी कमाई का पैसा है, गब्बर सिंह टैक्स उस पैसे को आपसे छीनना चाहता है। मोदी, ये कमाई मुझे दे दो। जैसे गब्बर सिंह ने कहा था वैसे ही गब्बर सिंह टैग कहता है, ये कमाई मुझे दे दो, ये तुम्हारी नहीं है, ये हिंदुस्तान के 5-10 सबसे बड़े उद्योगपतियों की कमाई है, ये तुम्हारी नहीं है। गब्बर सिंह टैग के माध्यम से मैं ये तुमसे छीनना चाहता हूं, ले लो गब्बर सिंह टैग से पूरा का पूरा पैसा। ये है गब्बर सिंह टैग की के पीछे सोच, और इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। देखिए नोटबंदी ने, डीमोनेटाइजेशन ने 2% जीडीपी को गिरा दिया, जीएसटी ने जो बचा था वो गब्बर सिंह टैक्स ले गया और उसने उसको उठा के खत्म कर दिया। और कल अरुण जेटली जी खड़े होते हैं, कहते हैं देखो भाई और बहनों, हिंदुस्तान में अब बिजनेस करना आसान हो गया है, ईज, अंग्रेजी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, सब बिजनेस ठप हो गए, छोटे दुकानदार रो रहे हैं, छोटे व्यापारी रो रहे हैं, आंधी जैसी आई, जीएसटी और नोटबंदी की आंधी, और उस आंधी में से चमकता एक नया बिजनेस उठा। किसका बिजनेस? जय शाह का बिजनेस। देखिए भैया, 50,000 रुपए थे बैंक में, 2014 से पहले 50,000 के 50,000 थे, बढ़ नहीं रहे थे। 2014 में नई सरकार आती है और जय शाह का जो बिजनेस है 16,000 गुना बढ़ जाता है,
मतलब जो काम अंबानी जी नहीं कर पाए, अदानी जी नहीं कर पाए, वो जय शाह कर गया दो, दो तीन चार महीने में। ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अमित शाह जी के पुत्र के लिए, जय शाह जी के लिए मोदी जी ने कहा था, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उनके सामने एक उदाहरण है, अमित शाह के पुत्र का बिजनेस महीनों में 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपए में बदल देता है और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। कहा था कि मैं चौकीदार हूं, चौकीदार हैं। अगर आप चौकीदार हैं तो आपने जय शाह के बिजनेस के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला? आपने अमित शाह के बेटे के बिजनेस के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप चौकीदार नहीं हैं, आप भागीदार हैं। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, महंगाई से सबसे ज्यादा कष्ट गुजरात के और हिंदुस्तान के गरीब को होता है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम गिर रहा है तो ये गुजरात में और हिंदुस्तान में बढ़ क्यों रहा है? ये पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है और गुजरात में और हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप रोज मार्केट में जाते हो, सब्जी का दाम कम हुआ ज्यादा? तो महंगाई बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी कभी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मगर जो जनता चाहती है रोजगार, महंगाई में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं। गुजरात की सरकार 5-10 उद्योगपतियों के लिए चलाते हैं और उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग ये लोग करते हैं। इश्तेहार आते हैं, टीवी में मोदी जी आते हैं, पूरा समर्थन है इन 5-10 उद्योगपतियों का। नुकसान किसका होता है? आपका होता है। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, आप बीमार होते हो, इलाज नहीं होता है। यहां गहलोत जी बैठे हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इन्होंने मुफ्त में इलाज का कानून बनाया। तो ये काम किया जा सकता है। अस्पताल के दरवाजे, स्कूल कॉलेज के दरवाजे आपके बच्चों के लिए खोले जा सकते हैं। नर्मदा का पानी आपको दिया जा सकता है, बिजली आपको दी जा सकती है, मगर वो जब ही होगा जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी। और अंडर करंट है, नीचे आंधी है, अभी दिखाई नहीं दे रही, घबराहट है बीजेपी में। मोदी जी और अमित शाह का चेहरा देखिए, जो पहले मूड होता था वो अब मूड नहीं बचा, अब थोड़ा सा गुस्सा है चेहरे में, मुस्कान चली गई है, क्योंकि मालूम है कि गुजरात की जनता बात समझ गई है। उनको यह समझ आ गया है कि गुजरात की जनता गेम समझ गई है, गुजरात मॉडल खोखला है और गुजरात की जनता पुराना गुजरात मॉडल, अमूल वाला, आनंद वाला, कांग्रेस पार्टी वाला चाहती है, किसानों की सरकार चाहती है, मजदूरों की, आदिवासियों की, गरीब लोगों की सरकार चाहती है, और वही हम आपको देंगे। हमारी यहां सरकार बनेगी। मेरे शब्द खोखले नहीं है, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैंने आपको 15 लाख रुपए देने वाला वायदा नहीं किया,
मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं, मेरा आपके साथ रिश्ता है, आदिवासियों के साथ पुराना रिश्ता है, इंदिरा गांधी जी का रिश्ता है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आदिवासियों की सरकार बनेगी और आपकी आवाज सिर्फ गुजरात में नहीं पूरी हिंदुस्तान में सुनाई देगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।